बंटी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके खिलाफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल करने वाली हूँ। अम्मा लाइए, क्या सोचने लगी? बहू के त्रिया चरित्र के बारे में सोच रहे थे। एक तरफ जो है मुकदमा दायर कर रही है और दूसरी तरफ जो है बंटी को रिझाने की कोशिश। क्या मतलब? स्टोर रूम में गई थी, गिर पड़ी, चोट लगने का बहाना किया, बंटी ने गोद में उठा के ली। सबको चोटें लगती है, सबके सब से गोद में बैठ के घूमते रहते हैं क्या? लक्ष्मी जी, हाँ यही ना, ये तुम कह रही थी, थोड़ा सा निकल गया है लेकिन ठीक कर दे। क्या बात है लक्ष्मी जी, अब ये चुन्नी में भी फॉल लगाने का फैशन है क्या? ना नहीं, ऐसे उलट पुलट के गोल 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 देख रही है, सुबह से फॉल फॉल हो रहा है पूरा। नहीं खाना तैयार है, खाइएगा? नहीं आ जाइए, चलिए चलो। अरे नहीं, क्या करें, ऐसे ही रखो, खाना तैयार है, आ जाइए, आ जाओ। अबे अच्छे से खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, कसरत नहीं करोगे तो कमजोरी हो ही भी करेगा। ऐसा करो सुबेरे शाम दोनों टाइम अच्छे से दंड बैठक मारा करो, ठीक है? और सुबेरे सुबेरे सूर्य नमस्कार करो तो और अच्छा है। हाँ रुको, इस समय हम कहीं और नमस्कार कर रहे, रुको फोन रुको। क्या हो गया बाबूजी? जी शुरुआत करेगा सब तक से करेगा। क्या हो गया बाबूजी? अरे कुछ होश है तुमको? हाँ होश में है एकदम ठीक ठीक कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ बाबूजी, ये तकिया है, बिछौना है, ये लैंप है, किताब है, फूल है, आप हम सब 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 दिखाई तो दे ही रहा है। सांड थे, सांड हो, सांड ही रहोगे। अरे घर का औरत लोग इतना बड़ा बात छुपा के बैठा है, कुछ दिखता है तुमको? तो हाँ, का और सारी घर की औरतन के बीच में घरघुसो बन के बैठे रहते हैं। अरे वाह रे मेरे लल्ला, बचपन से देखे आज तक, अब तक देखते ही आ रहे हैं तुमको। बचपन में माँ के पल्लू से, जवानी में बीवी के पल्लू से, शादी के बाद कमरे से बाहर निकलने का फुर्सत नहीं मिलता है तुमको, और कहते हो हम कहां औरतों में हैं? भगवान कसम हमको कुछ अता पता है नहीं। तो पता करो, अता करो। हैं क्या, कमा के धमाके तो देते हो नहीं, कम से कम एक काम की तो उम्मीद रखते तुमसे। जाओ और अपनी घरवाली से पूछो, क्योंकि वो भी सब इस गोलमाल में शामिल है। रानी जी को पता सब कुछ? हाँ उसी को तो सब औरतें मिलकर गोल 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 घुमा रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबूजी, हम रानी जी से पता करते हैं, आपको बताते हैं पटाक से। नहीं नहीं, हम गलत आदमी चुन लिए। नहीं नहीं बाबूजी, ठीक आदमी चुन लिए। तुम अपनी औरत के बहकावे में आ जाओगे, कुछ का कुछ बोल दो। नहीं जान, नहीं नहीं बाबूजी, बिल्कुल ठीक आदमी चुन लिए भाई। नहीं ठीक चुने बाबूजी। अरे भाई तुमसे नहीं हो पा सकेगा। अरे हो पा सकेगा बाबूजी, आप हम पे रखिए यकीन तो रखिए, हो पा सकेगा हमसे। और अगर नहीं हो पा सका तो बाबूजी लतिया लीजिएगा आप हमको। हर बार यही अध्याय समाप्त करना होगा, लतियाने का नौबत नहीं आना चाहिए। आखिरी मौका दे रहे हैं तुमको, तुरंत जाओ और फौरन पता करके आओ। हाँ जाओ, देखते कौन कद्दू में तीर मारते हो। नमक नहीं डाले हैं? हाँ डाल देना। हाँ डाल दे। अम्मा वो हम क्या कह रहे थे कि बंटी और सागरिका को कुछ दिन के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए ना, आपस में थोड़ा वक्त बिता लेंगी तो उनका मनमुटाव खत्म हो जाएगा। बस फिर क्या, एक बार दोनों के दिल मिल गए फिर ये केसेस का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। नहीं ना ना, तुम समझ नहीं रही हो, जो लड़की कोर्ट कचहरी के हद तक जा सकती है उसके साथ बंटी को अकेला कैसे छोड़ दे, तुम जानती नहीं हो।
ऐसी लड़कियां क्या क्या कर सकती है। वैसे भी हमारा बंटी जो है किसी की भी बातों में आ जाता है। पार्वती ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी तो ना ना। अम्मा ये मत भूलो, वो सिर्फ पार्वती का पति नहीं है, हमारा बेटा भी है। अब एक माँ हो के हमारे बेटे को ऐसे इस भवन में अकेला नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और अम्मा क्या हाल चाल है? खुशबू आ रहा है बहुत ज्यादा वाला है, कहाँ बन रहा है? अरे कढ़ाई झूठी मत करो, खाना लग रहा है, तब चख लेना। नहीं, हटो हटो। नहीं हट गए अम्मा। अरे अम्मा हम तो आपका हाल चाल लेने के लिए आए थे, पूछने आए थे और कैसी हो, ठीक ठाक? कुछ कुछ कह रही थी, बातचीत कर रही थी, आप कह लीजिए रत्ना दी से है। हम ये कह रहे थे कि तरकारी में नमक कम है। अच्छा, और तुम्हारे पाँव यहाँ कैसे आ गए? रानी बहू तो है नहीं यहाँ पर। रत्ना देख रही हो अम्मा को? मतलब हम क्या रानी जी के पीछे लग गए, उनके पीछे 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 चलते रहते हैं? हाँ ऐसे भी आ सकते हैं, अपनी अम्मा से मिलने, अपनी बहन से मिलने के लिए आ सकते हैं, वैसे ही आए थे। खैर आपकी तो इच्छा ही नहीं हमसे बात करने की, हम चले जाते हैं। हमको तो गंगा जी से उठा करके लाई थी आप, देख रही हो रत्ना? आप बात कर लो, जो आपको बात करना कह लो, जो कुछ कह खू रही थी, हम जा रहे हैं। अम्मा क्या है वो? हम देखो रत्ना, इस बारे में हमें कुछ बात ही नहीं करनी है। दादी माँ की दवाई का समय हो गया है, चलो रोटियां बना लेते हैं, भूखी रहेगी। जाओ सबको खाने पे बुला दो, जाओ बुला ले। सागरिका दवाई खाने का वक्त हो गया। ये लीजिए। पैर को आराम लीजिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा, हम ले आएंगे। आते हुआ सागर, कुछ चाहिए आपको? एक बात पूछूं? पूछिए। Do you love me? हमारी आंखों में देखिए और बताइए आपको क्या नजर आता? मैं नहीं समझ पा रही हूँ बंटी। हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप आराम कीजिए, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। पैर को आराम दीजिए, ठीक है? बस यू गए और यू जानती हूं मैं बंटी, प्यार तो है और बहुत है आपको भी और मुझे भी,
इसी प्यार के लिए तो लड़ रही हूँ। I love you, Bunty. Darling, एक बात बताएं आपको, आपका जो लंबा लंबा सुंदर सुंदर ये जो बाल है, जब आप खोल देती है ना तो ऐसा लगता है चार पांच जगह छह सात जगह बिजलियां गिर गई हो। थैंक यू सो मच पप्पू जी, कुछ और कहिए ना हमारी तारीफ में। हाँ जानू, आप बचपन से इतनी खूबसूरत है, आप धीरे 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 जवान होते होते आप इतने खूबसूरत हो गए। नहीं नहीं पप्पू जी, हम बचपन से इतने सुंदर हैं। सच बताएं डार्लिंग, जब जब आपको देखते हैं ना मन करता है कि देखते ही रहें, घूरते ही रहें, निहारते ही रहें, ताकते रहें, हमारा तो मन ही नहीं भरता, हमारा होश उड़ जाता है डार्लिंग, बता रहे हैं। जब आपके होश वापस आ जाएंगे ना तो आप हमारे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम ला दीजिएगा बस। डार्लिंग तुम आइसक्रीम की बात करती हो, बस हमारा बस चले, हम तो आइसक्रीम की पूरी दुकान तुम्हारे सामने ले आए हैं। पर एक तो बात कहें हम आपसे, थोड़े से नाराज टाइप हैं हम। नाराज हैं आप हमसे? नहीं नहीं नहीं, हम क्यों नाराज हैं, हमको तो लगता कि आप हमसे नाराज हैं। हम आपसे नाराज हैं? लेकिन क्यों पप्पू जी? अगर नाराज नहीं होती तो आप हमसे बातें छिपाती थोड़ी ना, आप हमसे हर बात बताती। हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं? कौन सी बात पप्पू जी? जो आजकल औरतों के बीच में खुसुर 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 चल रहा है वो तो छुपा है ना। ओ, तो ये बात है पप्पू जी। वैसे पप्पू जी, हम औरतों की बात ना खुद ब्रह्मा जी भी जान नहीं पाए तो आप जानकर क्या करेंगे? आपके पास केस करिए। अरे डार्लिंग बेबी जानू, आपका गैस करें, हमारा गैस निकाल करके चल दे तुम, उधर बाबू जी लेते आएंगे अलग। बेटा पप्पू तुम्हारे जिंदगी में यही सब लिखा है का? अरे अरे ये लक्ष्मी हम रख। अरे अरे हम आपका हाथ बटाए, पिछले 28 सालों से आपके साथ इस गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, आप हमें बताएं ना बताएं, छुपाएं छुपा जाएं, किंतु आपकी जो आंखें हैं ना वो हमें सब बता देती है। अच्छा, बहुत अच्छा। लच्छो, ए लच्छो बताओ ऐसे कौन सा बात है जो तुमको अतल भीतर तक परेशान किए हुए है? कहाँ हो गया है, ऐसे अलंकारिक भाषा बोलने की जरूरत है? है कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं, नहीं माना कि अब हमें वो वाली बात नहीं रही। हे भगवान, अरे ऐसे क्या शर्म, बोलो ना बच्चों क्या सोच रही, बताओ बताएं। हाँ बोलो। बाहर का दरवाजा जो है उसकी कुंडी उखड़ गई है, तो बड़े को बुलाना है और वो ठीक करवाना है, करवा देंगे? हाँ? अरे लच्छो रानी का हुकुम हुआ तो मालूम काम हो गया। हाँ, अब खाना खाए या ऐसी रात भर रामलीला करनी है? चलो बढ़िया। ये लक्ष्मी जी भी पुरानी चावल हैं, ऐसे गिरह गांठ नहीं खोलेंगे। देखे हमारा विचित्र सुपुत्र क्या गुल खिलाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा भैया, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, करना बहुत बेइज्जती हो जाएगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ए तुलसी मैया, अब आप ही कुछ उपाय सुझाओ। कौन है जो ये गुत्थी सुलझा सकता है? बंटी, 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 देखिए एक बड़ी बस 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 यहाँ। अरे क्या हुआ? अच्छा आपको एक बात बताओ, ये महिला मंडल आजकल क्या खुश बसा रहा है? यार तुम तो अम्मा के राज दुलारे हो, प्यारे हो, न्यारे हो, यार तुमको तो पता होगा आखिर मुद्दा कहाँ है। कहीं केस वाली बात तो नहीं खुल गई, अब क्या कहेंगे इनसे? चुप क्यों हो गए? बोलो यार कुछ। अरे हमारे पास तो खुद ही फुर्सत नहीं है ना, तो को नहीं पता क्या प्लानिंग चल रही है। असल
अरे ये लो तुम तो महिला मोर्चा में फट से एंट्री मार सकते हो, कुछ तिकड़म लगाओ, कुछ 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 प्रयास करो, कुछ पता करो, ऐसा करो कि सौरा को आइसक्रीम खिलाओ। सौरा को मीटिंग में से निकाल दिया गया था, सौरा टीम से बाहर। अच्छा तो रत्ना को आइसक्रीम खिलाओ, अम्मा के पैर दबाओ, शाम दाम दंड भीत करके कुछ भी पता करो यार, असली मुद्दा क्या है, चल कर आए वो। फिर चुप हो गए। अरे बाबूजी हमको पता ही नहीं तो हम क्या बताएंगे आपको। वैसे हम तो नहीं समझ पा रहे, आप लोगों को क्या लगता है? क्या बात हो गई? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमसे पूछ रहे हैं। वहाँ महिला मंडल बंद दरवाजे के बीच में फुसफुसा रहा, प्लानिंग कर रहा है। अरे हमसे अच्छे तो वो है, कम से कम एका तो है उनमें। यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम, तुम हमारी आखिरी उम्मीद थे, सोचे कि तुम बताओगे। जब तुम नहीं बता पा रहे हो तो कौन बता पाएगा, कौन बताएगा? मैं बताती। आप नीचे क्यों आ गए? अब अपने पैर को आराम दीजिए, हम बस 5 मिनट में खाना लेकर आ रहे हैं। नहीं नहीं बंटी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अरे बाबूजी यहाँ रुको। अरे पप्पू भैया रुको। हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना चाह रही थी? सागरिका एक काम कीजिए, आप कमरे में जाइए। खड़े मत। अब बाबूजी को सारी सच्चाई पता लगी, जाने दीजिए। ऐसी सच्चाई? बाबूजी वो मैं कुछ दिनों से आपसे यही बात छुपाना चाह रही थी कि की? बाबूजी मैं और रत्ना जी जी रत्ना रानी भाभी रानी सत्या जी, वो अम्मा जी है ना। और क्या? उनका जन्मदिन आ रहा है ना। इसीलिए हम उनकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे। तो ये बात था, हमको लगा पता नहीं क्या 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 खिचड़ी पक रहा है। जब ऐसा ही था तो हम लोगों को भी प्लानिंग में शामिल कर लिया होता। हाँ। हम लोग तो प्लानिंग करने में माहिर टाइप के लोग हैं। चलो ठीक है, पता तो चल गया ना सबको। हाँ। पता चल गया बाबूजी। चलो पता चल ही गया है, अब खाना खा लो। चलो या सागरिका, गुड। बट ये सासू माँ के बर्थडे सेलिब्रेशन का आइडिया कहाँ से आया? बस ऐसे ही, अम्मा जी हम सबके लिए कितना कुछ करती हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना उन्हें भी थोड़ा गुड फील कराया जाए। ये तो सोच सोच के हमारा दिल बैठा जा रहा है, अब हमारा जन्मदिन मनाने पे काहे तुली है। आई जस्ट होप एंड प्रे कि बंटी मुझे मिल जाए। नहीं सत्या, हम अपने बंटी को हाथ से नहीं जाने देंगे। मुझे अम्मा जी के बर्थडे सेलिब्रेशन तक ना मुझे उन्हें थोड़ा मच्योर बनाना है, ताकि उनके सेलिब्रेशन के बाद वो अपनी कसम वापस ले। हमने सोच लिया है, इसके पहले कि ये लड़की और नाटक नौटंकी करे, हम ही उसको इस घर से
और बंटी के जीवन से बाहर निकाल के रखेंगे। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? जब तुम आओगी ना सब अच्छे से बताऊंगी, ठीक है? अभी रखती हूँ, बाय।